अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो अभी शाम का 5 बज गया है, मतलब असर का टाइम हो गया। और मैंने आज ना मैं 2 बार ब्लॉग शूट कर लिया। फ़ोन का स्टोरेज इतना फुल है कि मैं वीडियो बनाती हूँ पर वो डिलीट हो जाता है खुद, या फिर वीडियो बनता ही नहीं। तो क्या है कि जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, अपलोड करने के बाद वो मैं डिलीट करना भूल जाती हूँ। तो इतने सारे भर गए थे ना, 10-10, 8-8 मिनट के वीडियो, उसकी वजह से पूरा फोन ऐसा लगता हैंग होने लगा है मेरा। और फिर मैंने आज दोपहर को फिर ब्लॉग शूट करा, फिर सुबह का तो डिलीट हो गया था, दोपहर का भी स्टोरेज फुल होने के कारण वो वीडियो ठीक से बननी और एडिटिंग भी नहीं हुई। तो मुझे पूरा फ़ोन खाली करने में 1.5 से 1 घंटा लग गया। और फिर मैं बीच में घर में थी भी नहीं, मैं मार्केट गई थी, तो इतना धूप था, उस चक्कर में पैदल जाना और फिर पैदल वापस आना, और मैं थक गई घर आके। मैंने कहा कि मैं फिर थोड़ी देर में आराम करी, और मैंने कहा चलो अभी मैं किचन में जाऊंगी तार और खाने के लिए, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े हुए जी। मतलब मैं अभी घर में नहीं थी 1 घंटा, तो पता नहीं ये कैसे रहा। जब से मैं आई हूँ, मतलब कि मुझे आए हुए, मैं 2:30 बजे आई हूँ शायद, या 3 बजे, तो ये तब से चिपका हुआ है मुझसे। और अभी इन्होंने मुझे बोला कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो मैंने इसे बस छोले और चावल दी हूँ, 2 चम्मच खाया है बस, और रोना शुरू कर दिया है। फैजान, तो ये देखो कैसे रो रहा है आंसू से। क्या हुआ बाबू बताओ? फैजान का कहना है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा था, उसे चावल खाया ना, शायद उसके टुकड़े फंस गए होंगे, इतने सारे दांत इसके सड़े हुए हैं, कैविटी लगी हुई है, जरा सा भी कुछ फंस जाता है ना तो ये बस पेन हो जाता है। जबकि मैंने अभी मेडिसिन दी हूँ, दांत दवाई पी हो ना, फिर आ करो आ, ये देखो इनके दांत, ये वाले कैविटी लगी हुई है। रो रहा है कि मेरे दांत का बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब शायद आएंगे तो मैं बोलूँगी फिर से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो रूम में इधर जोया है, बाकी इधर सारे बैठे हुए हैं बच्चे, और फैजान को मैंने यहाँ लेटाया है ना। फैजान ये सारे कार्टून देख रहे हैं, तो शाहिद है नहीं क्योंकि मैंने उसे मार्केट भेजा कुछ सामान लेने। और किचन में मैं बताऊँ तो अभी है थोड़ा सा छोले जो कि मैं बनाई थी, बच गया थोड़ा, और कुछ तो है नहीं, फ्रूट्स भी नहीं है। अभी शाहिद लेके आएंगे तो मैं कट करूँगी, सिर्फ पपीता होगा और आज की इफ्तार। और मैंने कल थोड़ा सा बेसन बच गया था तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। देखते हैं क्या क्या है मेरे फ्रिज में, तो कुछ नहीं है, खाली है पूरा। अभी फ्रूट्स है बस, खजूर, बेसन तो है, तो प्याज का पकौड़ी मैं कल बनाई थी और बेसन ज़्यादा घुल गया था तो मैंने यहाँ रख दिया। इसमें और थोड़ा सा मिला के मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। और ये है तेल, पकौड़ी बनाने के बाद जो बच गया था ना वो मैंने छान के रखा है। गिर गया मुझसे तो, जबकि मैं इतनी कंजूस हूँ ना, एक बूंद ना गिरने दो। लेकिन ये सब काम मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं जाती हूँ अभी असर का नमाज पढ़ लूँगी फटाफट 4 रकात, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद किचन में 8 भी नहीं बचता है, सीधे 12-1 बज जाएगा, रात तो बढ़ गया है और मार्केट से सामान भी आ गया। तो ये है मटन 1/2 kg और घिया 1 किलो, मैंने घिया मंगाया, आज मैं घिया बनाऊंगी, देखना जैनब कितना चिल्लाएगी, चिक चिक करेगी। और थोड़ा सा फ्रूट्स है, काट लूँगी मैं इसे पहले, फिर मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो मैं एक एक करके ना आज काम करूँगी, तो और ब्लॉग में आपको दिखाती भी रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं आज पहले फ्रूट काट लेती हूँ, क्योंकि तो यहाँ सारे छिलके हैं कूड़े में डालूंगी, और ये हमारा फ्रूट्स कट गया। तो
तो मैंने यहाँ गोश्त को मैरिनेट करके छोड़ दिया आधा घंटे के लिए, आधा एक घंटा बाद मैं इसे बनाऊँगी। और इधर तेल गरम कर रही हूँ, इधर ये वाला कढ़ाई में पोहा फ्राई करूँगी, चिवड़ा। और इधर बेसन मिक्स करा है, और ये तीन मिर्ची के पकौड़े बनाऊँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे चाट मसाला वगैरह फील करा है, आलू आज है नहीं तो इसी से काम चलाऊँगी। तो हमारी पकौड़ियाँ सारी चीज़ें बन गई, धुआं धुआं हो गया है, और सब्जी मैंने सालन चढ़ा दिया है। ये देखो काली चना पकौड़ी। कायना देखो कैसे मुरझा के खा रही है सुस्त मुर्गी कायना क्या हुआ, किधर देख रही है बस फैजान से नहीं खाया जा रहा है, फैजान के दांत में दर्द हो रहा है। फैजान क्या हुआ बाबू, बनाना खा लो। जोया ने देखो फिनिश कर लिया, और हमजा को देखो कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है। तो अभी हमारा अफ्तार हो गया, यानी कि रोजा खुल गया हम सबका। फैजान को बस दांत में दर्द है, और बाकी साहिद गए और हमजा गए दोनों नमाज पढ़ने। अभी हम भी जा रहे हैं नमाज पढ़ने, उसके बाद बादशाह कुछ अफ्तार हम अपना खाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा अफ्तार से बस रोज़ा खोलते हैं क्योंकि नमाज के लिए लेट हो जाता है ना इसलिए। लेकिन कायना खाएगी 9 बजे तक। अभी माम जी आपने ये क्या कर दिया, नज़र घटी, दुर्घटना घटी पूरी चाय उबल गई, ऐसा करेगी साफ। हाँ कोई नहीं, तो ये हमारी चाय शाम की रख यहाँ पे। आपका चाय कहाँ है शायद? अभी रात के 9:45 हो गया है, मतलब कि 9 बजने वाला है, 9 बजने वाला है, और ईशा का अजान हो गया है। हमारा खाना भी बन गया किचन का, मतलब किचन का काम फिनिश हो गया। ये देखिए गैस बंद करती हूँ। नहीं बेटा, तो किचन का काम हो गया तो थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाता है शाम के बाद, और खाना बनाने का फिर मन नहीं करता। और अब मैं सोच रही हूँ जल्दी खाना बन गया तो मैं जल्दी नमाज के लिए बैठ जाऊँ, फिर तरावी पढ़ना है, बहुत वक्त लग जाएगा। और फिर सबको खाना पीना खिलाने लगेंगे तो 12 बज जाता है, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। मतलब कि सच में मैं अगर बताऊँ तो मुझे इतना सब टाइम नहीं मिलता, सारा टाइम खाना बनाओ खिलाओ ये चीज़ वो चीज़ में वक्त निकल जाता है। और मैं दिखाती हूँ मैंने घिया गोश्त कितना अच्छा बनाया। वैसे तो ये घिया जैनब को पसंद नहीं है, फिर भी मैंने बना लिया क्योंकि हरी सब्जी खानी चाहिए किसी ना किसी चीज़ में डाल के। मुझे हरी सब्जी बहुत पसंद है, अगर मैं पूरे महीने रोज़ खाऊँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और बात, मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ तो मैं वो वाला ब्लॉग में शूट नहीं करती, मैं वो वाला सीन नहीं शूट करती। हमें पता है ब्लॉगिंग है तो मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में बोले कि दिखावा कर रही है, कर रही वो कर रही, मैं नहीं करना चाहती। इसलिए मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ वो वाला ब्लॉग मैं शूट नहीं करती, मैं अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ और आराम से पढ़ लेती हूँ। मैं उनके फर्स्ट का और एंड का जरूर वीडियो बोलती हूँ, या मैं ब्लॉग में बोलती हूँ ये बात है कि इशा का टाइम है। अभी क्या है कि आपको पता है कि 5 वक्त का नमाज है, मुझे कम से कम 8 से 9 महीना हो गया। पहले मैंने छोड़ दिया था 8-9 महीना पहले, फिर मैंने कहा कि नहीं अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि 24 घंटा का दिन और रात होता है तो मैं खाली रहती हूँ, मतलब कि जॉब वर्क करना नहीं है इसलिए क्यों टाइम वेस्ट करो। तो इसीलिए कितने लोग को लगता है कि बार बार ये बोलती हैं ईशा जोहर, अभी जो जुबान पर आता है मैं वही बोलती हूँ, ईशा आ गया, ईशा का टाइम हो गया जोहर का फजर का। इसलिए तो मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। अगर मेरे बोलने में ज़रा भी गलती या मिस्टेक हुआ होगा या किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और दुआओं में याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।